मुहूर्त के वास्ते भेजा नबी बना के इशात के वास्ते। हजरत ने अपनी कौम की तबलीग बहुत की फिर भी न की उस कौम ने अल्लाह की बंदगी। इबलीस की वो पैरवी करते रहे सभी यूनुस अलैहिस्सलाम को माना नहीं नबी। समझाया बार बार था हजरत ने ये कहा हम सब का एक ही वही माबूद है खुदा। शैतान से हमेशा ही नफरत किया करो नकली खुदाओं की ना इबादत किया करो। देते वो अपनी कौम को अल्लाह का वास्ता ये छोड़ दो सब लोग रास्ता यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे बहुत नहीं पड़ा। यूनुस ने समझाते तो कहते वो सब यही हमको तुम्हारी बात का होता नहीं यकीन। तस्लीम हम करेंगे न तुमको कभी रहबर हरगिज न तुमको मानेंगे अल्लाह का पैगंबर। बेदत तुम्हारी बात पे करना नहीं हमें अनदेखे उस खुदा से तो डरना नहीं हमें। जिनकी पूजा वो माबूद हैं सभी हाजत रवा हमारे वो मौजूद हैं सभी। अजदाद की है कैसे रिवायत को छोड़ दे अपने खुदा की कैसे इबादत को छोड़ दे। हम इनको पूजते हैं इन्हीं को है मानते दुनिया में किसी और खुदा को न जानते। बोली वो कौम आगे से समझाना ना कभी वरना तुम्हें देंगे सजा हम तो बहुत कड़ी सादगी। करते रहे खुदा की वो हर वक्त बंदगी। हक की सुनाते बात तो सुनते थे गालियां तबलीग दीन करते तो होती थी सख्तियां। दीवाना कह के लोग वो पत्थर थे मारते अल्लाह का रसूल ना उनको वो मानते। नेकी की राह पर ये किसी को न ला सके यूनुस नबी किसी को न कलमा पढ़ा सके। 40 साल उम्र हुई अब थी आपकी लेकिन किसी ने बात न मानी थी आपकी। सुनती नहीं थी कौम वो ईमान की बातें उनको बहुत पसंद थी शैतान की बातें। एक रोज आप खूब ही गुस्से में भर गए उनका मिजाज देख के सब लोग डर गए। बोले नबी के जुल्म का होगा सभी हिसाब बोले नबी के जुल्म का होगा सभी हिसाब। आएगा तुम पे जल्दी ही अल्लाह का दा जब
अजाब तो कोई न बचेगा, जो शहर ने नवा है वो आतिश में जलेगा। जब तक कबूल लोग करेंगे नहीं गुना, 40 दिन में शहर ये हो जाएगा फना। हुक्मे खुदा बगैर ही मुँह सबसे मोड़ कर, यूनुस नबी चले गए बस्ती वो छोड़ कर। यूनुस नबी से अब खुदा नाराज हो गया, उन पे मुसीबतों का यूं आगाज हो गया। बीवी थी उनकी साथ में थे साथ दो पिसर, छोड़ा था शहर ने नवा जारी किया सफर। बस्ती से बहुत दूर जब यूनुस निकल गए, जंगल में एक पेड़ के नीचे वो जा रुके। बीवी को और बच्चों को शिद्दत थी प्यास की, सहरा में उनको पानी की उस दम तलाश थी। बीवी को और बच्चों को जंगल में छोड़ के, तलाश करने को यूनुस नबी चले, पानी तलाश करने को यूनुस नबी चले, पानी तलाश करने को यूनुस नबी चले। उनको वक्त था, इतने में डाकुओं का वहां आया काफिला। यूनुस नबी की बीवी तो बेहद हसीन थी, बातें किया वो करती थी अल्लाह के दीन की। सरदार डाकुओं का था उसकी थी बद नजर, बीवी नबी की ले गया बद वक्त उठा कर। बच्चे अकेले सहरा में रोते ही रह गए, मिन्नत करते ही रह गए। कुछ देर बाद आए थे यूनुस नबी वहां, बच्चों को रोता देख के आंसू हुए रवा। बच्चों ने जब बताया उन्हें सारा माजरा, डाकू उठा के ले गए हैं उनकी वालिदा। बीवी को ढूंढा खूब मगर वो नहीं मिली, इस हादसे से हो गए हजरत बहुत दुखी। बच्चे वो दोनों लेके चले आगे की डगर, बच्चे वो दोनों लेके चले आगे की डगर, बच्चे वो दोनों लेके चले आगे की डगर। बीवी बगैर लगता था दुश्वार अब सफर, बीवी बगैर लगता था दुश्वार अब सफर, बीवी बगैर लगता था दुश्वार अब सफर। चले थे आप तो दरिया इन्हें मिला, कश्ती वहां न कोई थी न कोई ना खुदा। बच्चे को अपने एक किनारे पे बिठा कर, लेकर चले वो दूजे को कांधे पे बिठा कर। दरिया के बीच पहुंचे तो गुजरा ये हादसा, साहिल पे आया भेड़िया बच्चे को ले गया। बच्चे की चीख सुन के कदम डगमगा गया, कांधे से बच्चा गिर गया पानी में बह गया। दरिया के बीच थे खड़े लाचार अब नबी, मोहसिन नहीं था कोई भी मुश्किल की थी घड़ी। बीवी से और बच्चों से भी दूर हो गए, हालात के आगे बड़े मजबूर हो गए। सब कुछ गवा के आप तो आगे को चल पड़े, माझी को याद करके अब आंसू निकल पड़े। आगे चले जो आप तो दरिया था फिर मिला, आगे चले जो आप तो दरिया था फिर मिला, आगे चले जो आप तो दरिया था फिर मिला। उनके अभी अजाब का जारी था सिलसिला, उनपे अभी अजाब का जारी था सिलसिला, उनपे
कलम में पहुंचे वो दरिया के किनारे, नाराज उनसे रब था थे गर्दिश में सितारे। साहिल पे एक कश्ती खड़ी उनको मिल गई, कश्ती सवारियों से थी वो तो भरी हुई। आवाज दे के मल्ला ने उनको बिठा लिया, हजरत को जानता था वो उसने अदब किया। कश्ती को लेके चल पड़ा मल्ला हवे खतर, जब तय किया सफर तो मिला बीच में भंवर। कश्ती वो डगमगाई जब पानी में बार बार, घबरा गए थे उस घड़ी कश्ती के सब सवार। मल्ला बोला कश्ती में कोई है बेअदब, जिसकी वजह से हो गया नाराज हमसे रब। मल्ला ने सब नाम लिखे और किया ये काम, डाला पूरा तो आया था यूनुस नबी का नाम। मल्ला नबी की शान को तो जानता था वो, मल्ला नबी की शान को तो जानता था वो, मल्ला नबी की शान को तो जानता था वो, अजमत नबी की खूबी ही पहचानता था वो, अजमत नबी की खूबी ही पहचानता था वो, अजमत नबी की खूबी ही पहचानता था वो। मल्लाह ने पूरा डाला वहां पर था तीन बार, यूनुस नबी का नाम ही आता था बार बार। मंजर ये देख कर हुए यूनुस थे अश्कुबार, बोले तुम्हारी कश्ती में मैं ही हूँ गुनहगार। मालिक की बिन रजा के मैं आया हूँ भाग कर, मैं जान अपनी दूंगा अब दरिया में कूद कर। पानी में कूदे आहसी दिल से निकल गई, रब की रजा से आपको मछली निगल गई। मछली को हुक्म रब भी था तकलीफ नहीं दे, इनको तो एहतराम से वो पेट में रखे। मछली वो पेट में लिए तहतुल सरा गई, मखलूक आप करती जहां रब की बंदगी। हजरत ने पाई जब सजा मछली के पेट में, अल्लाह से मांगी दुआ मछली के पेट में। अल्लाह तुझको प्यारे मोहम्मद का वास्ता, अल्लाह तुझको प्यारे मोहम्मद का वास्ता, अल्लाह तुझको प्यारे मोहम्मद का वास्ता, मुझको बता यहाँ से निकलने का रास्ता, मुझको बता यहाँ से निकलने का रास्ता, मुझको बता यहाँ से निकलने का रास्ता। बख्श दे खुदा, बंदा हूँ तेरा मुझ पे भी रहमत तू कर अता। अनजाने में ही एक खता मुझसे हो गई, जिसकी वजह से मेरी खुशी सारी खो गई। अब एक नजर मुझ पे तू रहमत की डाल दे, मछली के पेट से मेरे मौला निकाल दे। मछली के पेट में रहे 40 दिन जनाब, रब ने खताए बख्श दी अब हट गया अजाब। मछली को हुक्म रब ने दिया शाद कर इन्हें, ले जा किनारे छोड़ दे आजाद कर इन्हें। मछली ने हुक्म रब सुना दिल शाद कर दिया, यूनुस नबी को मछली ने आजाद कर दिया। यूनुस ने तौबा कर ली तो किस्मत बदल गई, मछली किनारे आई वो इनको उगल गई। आजाद आप जब हुए मछली के शिकम से, आजाद आप जब हुए मछली के शिकम से, आजाद आप जब हुए मछली के शिकम से, फिर ऐसा मुजिजा हुआ अल्लाह के करम से, फिर ऐसा मुजिजा हुआ अल्लाह के करम से,
ताप जिस्म में तो घर को चल पड़े, बीवी बा बच्चे याद कर आंसू निकल पड़े। अब आप आए लौट के आफत के थे मारे, बेटे जहां बिछड़े उसी दरिया के किनारे। खेमा दिखाई एक दिया था माहिगीर का, बच्चा वहां जो पानी में वो उनको मिल गया। आगे चले तो एक शिकारी उन्हें मिला, बच्चा भी मिला दूसरा गुंचाए दिल खिला। बोला था ये शिकारी इसे मैंने छुड़ाया, एक भेड़िए के मुंह में था उसे था बचाया। बच्चों को साथ लेके वहां पहुंचे अब नबी, बच्चों को साथ लेके वहां पहुंचे अब नबी, बच्चों को साथ लेके वहां पहुंचे अब नबी। बीवी जहां पे बिछड़ी थी आए थे अब वही, बीवी जहां पे बिछड़ी थी आए थे अब वही, बीवी जहां पे बिछड़ी थी आए थे अब वही। डाकू वही पे आ गए बीवी लिए हुए, नादिम थे वो गुनाह पर सर थे झुके हुए। सरदार डाकू बोला रखा माँ की तरह है, दामन है इनका पाक किसी ने न छुआ है। एक बार मैंने डाली थी इन पे जो बद नजर, शल हो गया बदन मेरा आया न कुछ नजर। तब से ही इनको माँ की जगह मान लिया है, अजमत बड़ी है इनकी इन्हें जान लिया है। हजरत की जान आ गई थी अब तो जान में, बीवी को आपने लिया अपनी अमान में। बीवी को और बच्चों को अब साथ ले चले, बस्ती में अपनी आ गए और लोगों से मिले। लोगों ने देखा आपको गमगीन सब हुए, रोए लिपट के आपसे कदमों में गिर पड़े। जो आपने कहा था सही वो जनाब था, जो आपने कहा था सही वो जनाब था, जो आपने कहा था सही वो जनाब था। 40वें दिन आया यहाँ पर अजाब था, 40वें दिन आया यहाँ पर अजाब था, 40वें दिन आया यहाँ पर अजाब था। लग गए थे आसमान से, लाले सभी को पड़ गए थे अपनी जान के। जाहिर अजाब की हुई जब थी निशानियां, बेचैन सी होने लगी थी सारी बस्तियां। जो कौम के सरदार थे वो सब जमा हुए, हालात देख करके यही मशवरे हुए। मैदान में हम सबको जमा होना चाहिए, रो रो के दुआ रब से हमें करना चाहिए। ताखीर की ना हो गए मैदान में सब जमा, रो रो के सब ने मांगी थी अल्लाह से ये दुआ। तस्लीम नबी आपको जब हमने कर लिया, कलमा तुम्हारे नाम का जब हमने पढ़ लिया। रब की अता से हट गए बादल अजाब के, सहरा में फूल खिल गए हजरत गुलाब के। यूनुस की कौम फैज़ यूं ईमान पे आ गई,